गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय ग्रुप 3 यूथ फेस्टिवल का आगाज हो गया। यूथ फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय लंज के प्राचार्य वेद प्रकाश पटियाल शामिल हुए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स एंड इवेंट के निदेशक PN बंसल विशेष रूप से मौजूद रहे। गौतम ग्रुप कॉलेजेस के प्राचार्य डॉक्टर रजनीश गौतम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने मुख्य अतिथियों को कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। यूथ फेस्टिवल में प्रदेश भर के 22 महाविद्यालयों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि शाम तक प्रतिभागी टीमों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स एंड इवेंट निदेशक PN बंसल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बैनर तले ग्रुप 3 यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल के रूप में गौतम ग्रुप कॉलेजेस को चयनित किया गया था और प्रबंधन के द्वारा यहां पर बढ़िया व्यवस्था की गई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस आयोजन में अभी तक 22 कॉलेजों की टीमें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शाम तक जितनी भी टीमें इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचेंगी उन्हें प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूथ फेस्टिवल के आयोजन से कॉलेज के विद्यार्थियों को एक मंच मिलता है जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के बीच में एक बार फिर से सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां शुरू होने से कॉलेजों में रौनक लौट आई है। कोरोना काल की वजह से लंबे समय से हर गतिविधि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे गतिविधियां शुरू होने से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का बेहतर मंच भी प्राप्त हो रहा तो है। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित और इस आयोजन का दायित्व गौतम गर्ल्स कॉलेज हिमाचल प्रदेश हमीरपुर द्वारा लिए जाने पर मैं गौतम कॉलेज का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में जो हमारी सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां अवरुद्ध पड़ी थी उनके बारे में इस वर्ष भी हम असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही हमें AIU से स्पोर्ट्स कैलेंडर प्राप्त हुआ हमने अपनी बोर्ड की मीटिंग की और मीटिंग में हमारे सभी महाविद्यालयों के जो प्राचार्य और शारीरिक शिक्षक हमारे सदस्य हैं उन्होंने एक मत से कहा कि हमें विद्यार्थियों के फ्यूचर को देखते हुए उन कलाकारों के भविष्य को देखते हुए जो कि कोरोना काल में अपनी साधना में रत है ये अवसर अवश्य देना चाहिए। और हमने डिसाइड किया कि यथाशीघ्र जो है इन इवेंट को प्रारंभ कर दिया जाए और हमारे ये इवेंट जो है वो नवंबर 22-23 से प्रस्तावित थे, लेकिन हमने बोर्ड की मीटिंग का इंतजार किया जो कि 26 नवंबर को हुई और उसके तुरंत बाद दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हमने सभी इवेंट जो है करने का प्रयास किया है, जिसमें ही ये इवेंट भी युवा समारोह का भी यहाँ पर हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके यहाँ की व्यवस्था देखकर, क्योंकि बहुत अच्छा, मैंने पहले भी लगभग 20-25-30 वर्षों तक जो है वो यूथ फेस्टिवल अटेंड किए हैं, उनमें प्रतिभागी के रूप में भी हम जाते रहे हैं, टीम इंचार्ज के रूप में जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का भव्य आयोजन यहाँ गौतम कॉलेज ने किया है इसके लिए मैं गौतम कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर 3 दिन हमारे यहाँ पर प्रतिभागी आ चुके हैं और यदि कोई और कॉलेज, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से कोई आ रहे होंगे तो हम मैनेजमेंट से निवेदन करेंगे कि उनको कैंसिल कर लेना चाहिए क्योंकि दूर से लोग आ रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा है कि 22 कॉलेज की एंट्री हो चुकी है और अब जो आएंगे उनको ले लेंगे।